ये मुस्तफा साहब के कपड़े मैंने गाड़ी की सीटों के ऊपर सूखने के लिए डाले हुए हैं। ऐसे ही पुट्ठे काम है मेरे। आज हम लोग लाहौर जा रहे थे एक दफा फिर, यार क्या करूं, काम ही नहीं खत्म हो रहे हैं लाहौर के। और छोटे से बच्चे के साथ कहीं आना जाना घूमना फिरना आसान थोड़ी होता है। बस फिर मैं सुबह सुबह सो के उठ के मुस्तफा को तैयार करना, कपड़े पहनने और गाड़ी में बैठ जाना। यहाँ तक कि मुकीत का ऑफिस और मेरा मेकअप हम दोनों गाड़ी में कर रहे हैं। तो बस फिर सबसे पहले वो काम किया जिसके लिए आए थे, उसके बाद हमने सोचा यार अब दोपहर का खाना खाए। हमने ऐसे एक फ्रेंड से सजेशन लिया कि कहाँ पे खाना खाया जाए, और उनकी सजेशन के ऊपर हम लोग नदीम रेस्टोरेंट चले गए। और खैर से खाने से पहले ही दो दफा मुस्तफा साहब ने डायपर गंदा कर दिया। जैसे ही खाना सामने आया तो इसने कहा कि पहले तो मैं खाऊंगा बाद में कोई और खाए। तो हमारा दोपहर के खाने का इतना बुरा एक्सपीरियंस किया ना कि लिटरली मैं बता नहीं सकती। और आधा टाइम तो मुझे यही वहम लगा था कि यार ये चिकन है भी कि नहीं। आफ्टर दैट हमें एक दो काम भी थे और हमने सोचा कि दोपहर में गर्मी बहुत है तो मॉल इज द बेस्ट ऑप्शन। अब ना मैं बताती हूँ, इस ट्रिप के ऊपर हमने एक गलती ये की कि वी हैड नथिंग प्लान। लाइक हमारे पास दिन भी वैसे एक ही था, लेकिन हम लोगों ने कुछ प्लान ही नहीं किया था कि खाना कहाँ पे खाना चाहिए, घूमने फिरने कहाँ जाना चाहिए, ना ही हमने बिफोर टाइम किसी से सजेशन लिया हुआ था कि हमें कौन जगह विजिट करनी चाहिए। तो इस वजह से एट द एंड ऑफ द डे हमें लग रहा था कि यार आज हमने सारा दिन जाया कर दिया। और वापसी पे मुझे हो रहा था कि यार लाहौर गए थे, 101 जगह थी घूमने की, 101 चीजें थी ट्राई करने के लिए, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे वापसी पे हो रहा था कि यार कम से कम हम बोलिंग जोन ही चले जाते, वहाँ भी इतना मजा आता। ना हमें शॉप में घुसे और मैं लिटरली वहाँ देख के ये सोच रही थी कि यार ये कपड़े कौन लेता होगा। फिर मैंने सोचा कि यार 1.5 लाख के ड्रेडमिल घर रखने से बेहतर है कि बंदा 2-3 हजार रुपए जिम के भर के तमीज से जिम चला जाए। एंड इन दिस बुक स्टोर मैं मुकीत को ये बता रही थी कि ये नमल मैंने पूरा पढ़ा हुआ है। लाइक आप सोचेंगे मैं किस तरह की नॉवल रीडर थी, सॉरी आई मीन नॉवल लवर। और लाइक उस टाइम तो मैंने फोन के ऊपर PDF में एपिसोड वाइज पढ़ा था, तो मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि यार मैंने इतनी मोटी बुक पढ़ी हुई है। मैं एक मशवरा दूं सबको, आइंदा के बाद जो है ना एपिसोड वाइज तो कोई नॉवल स्टार्ट करना ही नहीं चाहिए। मतलब मैं इतने अरसे से माला पढ़ रही हूँ और कोई 6 महीने हो गए, मुझे ऐसे लग रहा है उसकी कोई नई एपिसोड आई ही नहीं है। 2 दिन लगते हैं हम लोग को एक एपिसोड पढ़ने के अंदर, और बाकी 28 दिन जो है ना नए एपिसोड का वेट करो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतने छोटे बच्चे के साथ आपका फैमिली के साथ होना बहुत जरूरी है। और हम लोग को लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि हम लोग का फैमिली स्ट्रक्चर कितना अच्छा है। आई नो 100 किस्म के मसले मसाइल अलग होते हैं, लेकिन जब आप बाकी कल्चर्स को देखते हो ना, लाइक आप गोरों को देखते हो, तो आपको रियलाइज होता है कि आप लोग कितने लकी हो यार। हमें कभी अपने बच्चे डे केयर में छोड़ने नहीं पड़ते। और ये ऐसी बातें हैं जिनकी कदर ना लिटरली हमें बाहर जाकर होती है। तो खैर एनीवेज, इन द इवनिंग आई डिसाइडेड टू गेट फेशियल फ्रॉम ज़रपाश एस्थेटिक्स। मतलब सब लोग इतने फैंसी फैंसी काम करते रहते हैं, मैंने कहा मैं क्यों पीछे रहूं। एंड आई हैव गॉट देयर सिग्नेचर हाइड्रोफेशियल। अगर तो आपके फेस के ऊपर किसी किस्म की एक्ने है तो फिर हाइड्रोफेशियल आपके लिए बेस्ट है। पोर्स को क्लीन करता है, स्किन को टाइट करता है, ब्लैक हेड्स या डेड स्किन सेल्स है तो उनको रिमूव करता है। जो सबसे एंड में सीरम पेनिट्रेशन होती है वो आपके फेस को बहुत अच्छा ग्लो देती है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक्ने वगैरह का कोई इस तरह का मेजर इशू नहीं है। एंड ऑब्वियसली द हाइड्रोफेशियल आल्सो हेल्प्स टू हाइड्रेट योर स्किन। तो खैर द ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज सो रिलैक्सिंग। एंड अबाउट द फाइनल रिजल्ट्स, दे क्लेम कि वो एक हफ्ते के बाद आते हैं, तो फिर डेफिनेटली आई विल शो यू आफ्टर 1 वीक। और एट द एंड हम लोगों ने डिनर करना था और मैंने ना एक वीडियो देखी कि जुनून रेस्टोरेंट का जुनूनी प्लेटर बड़ा हैवी है। तो मैं अपने सारे घर वालों को जबरदस्ती जो है ना वो जुनून रेस्टोरेंट लेकर गई, और मुझे इतना गुस्सा आया कि जो उन्होंने मेन्यू में काबली पुलाव लिखा हुआ था वो बेसिकली उबले हुए चावल थे। और बंदा तब भी ऑर्डर कर दे कि चलो कोई नहीं, बाकी बारबेक्यू तो है ना, तो उसका वेटिंग टाइम ही खाली 1.25 घंटा था। तो कसम से दैट वाज सो डिसअपॉइंटिंग। इसलिए फिर मैंने चुप करके जो है ना सिजी ऑर्डर की, और वो भी खाते हुए ना मुझे इतना दुख हो रहा था कि यार मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे। तो खैर एनीवेज कोई बात नहीं यार, अप्स एंड डाउन्स तो चलते ही रहते हैं और बंदा अपनी गलतियों से ही सीखता है ना। इफ यू गाइस हैव बीन फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब यू कैन डू दैट। ओ बल्कि प्लीज डू दैट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय।